मेरिजम के अंतर्गत स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मेटा मेरिजम्स को स्टडी करेंगे। मेटा मेरिजम्स तो मेटा मेरिजम क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। देखिए चयन में क्या होता है, अगर आपका कोई भी एल्किल या एरिल ग्रुप है उसके चयन क्या है डिफरेंट है, इसके नेचर में क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, अगर आपका यही चयन किसी पॉलीवैलेंट एटम, पॉलीवैलेंट का मतलब क्या होता है जिसमें आपके एक से अधिक वैलेंसी हो, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन डाईवैलेंट है, नाइट्रोजन है क्या है ये ट्राईवैलेंट है, या डबल बॉन्ड है ये भी क्या है आपका पॉलीवैलेंट है। मीन्स आपके ऐसे ग्रुप या एटम जिनकी वैलेंसी एक से अधिक होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं पॉलीवैलेंट कहते हैं। और पॉलीवैलेंट एटम में जो एल्किल या एरिल ग्रुप अटैच है, एल्किल या साइड चेन अटैच है, अगर उसके नेचर में डिफरेंस होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं मेटामर्स कहते हैं, और इस फेनोमेनन को मेटा मेरिजम कहते हैं। मीन्स आपका मेटा मेरिजम हम लोग कह सकते हैं मेटा मेरिजम इज अराइजेड, मेटा मेरिजम इज अराइजेड ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ एल्किल आर एरिल ग्रुप अटैच विथ पॉलीवैलेंट एटम आर ग्रुप। ठीक, कभी भी आपका पॉलीवैलेंट एटम या ग्रुप से अटैच्ड है और उसके एल्किल या एरिल ग्रुप में मीन्स आपका जो चैन है उसमें डिफरेंस है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेटामर्स बोलते हैं, और इस फेनोमेनन को मेटामेरिज्म कहते हैं। देखिए एक चीज और कि आपका जितने भी मेटामर्स होने चाहिए ठीक वो आपके सेम होमोलॉगस सीरीज के होने चाहिए। मीन्स आपका मेटामर्स बिलोंग्स टू सेम होमोलॉगस सीरीज। मीन्स आपका एक ही सीरीज के होने चाहिए। अगर आपका कोई प्राइमरी है या सेकेंडरी है तो क्या होना चाहिए सभी आपके आइसोमर्स सेकेंडरी होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें CH3 CH2 CH2 O CH3 को ले लें, ठीक देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन से अटैच जो आपकी चैन है एल्किल ग्रुप है इधर एक कार्बन की है, इधर क्या है आपकी तीन कार्बन की है, तो आपका यहाँ पर प्रोपिल ग्रुप का नेचर शो कर रहा है, यहाँ पर मेथिल का, ये चीज़ आपका CH3 CH2 O CH2 CH3 यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, केवल क्या होगा लिंकेज आपका डिफरेंट हो गया। यहाँ पर तीन कार्बन की लिंकेज थी यहाँ पर आपकी और एक कार्बन की थी, यहाँ पर क्या हो गई दो कार्बन और यहाँ पर दो कार्बन की हो गई। मीन्स आपका चैन का नेचर क्या हुआ डिफरेंट हो गया। ठीक, क्या हो गया एल्किल या एरिल जो चैन है वो क्या हो डिफरेंट हो जाए, या इसको CH3 O CH CH3 CH3 यहाँ पर देख रहे हैं तीन तरीके से इसके चैन क्या है अरेंज हो सकते हैं। ये सभी के सभी क्या है ईथर है और यहाँ पर क्या हो रहा है केवल एल्किल ग्रुप के चैन में डिफरेंस है। मीन्स आपका इसके नेचर में डिफरेंट हो गया, तो सभी क्या होंगे मेटामर्स होंगे। इस तरीके से सपोज दैट CH3 कोई भी पॉलीवैलेंट एटम है या ग्रुप है जैसे NH CH3 ये क्या है सेकेंडरी अमीन है। अब आपका यहाँ पर एक कार्बन की चैन, यहाँ पर तीन कार्बन की चैन है CH3 CH2 NH CH2 CH3 ये भी सेकेंडरी अमीन है, सेम होमोलॉगस सीरीज के हैं लेकिन चैन क्या हो गई एल्किल ग्रुप का नेचर क्या हो गया डिफरेंट हो गया CH3 NH CH CH3 CH3। तो ये क्या है ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं, सब में अमीन क्या है सेकेंडरी अमीन सेम होमोलॉगस सीरीज के हैं, केवल डिफरेंस क्या है डिफरेंस आपका एल्किल या आपकी जो चैन से अटैच्ड है उसके नेचर में डिफरेंट है।
एन सी एच थ्री सी एच थ्री। ठीक, ये क्या है? टर्शियरी अमीन है। ठीक, क्या है? टर्शियरी अमीन है। अब टर्शियरी अमीन है लेकिन आपका यहाँ पर देख रहे हैं इसमें क्या है, एक एक कार्बन की दो चैन है और चार कार्बन की एक चैन है। तो आपका सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री एन सी एच टू सी एच थ्री सी एच थ्री। यहाँ पर देख रहे हैं आपका चैन क्या हो गया, चैन का नेचर डिफरेंट हो गया। यहाँ दो कार्बन की चैन, तीन कार्बन की चैन और एक कार्बन की चैन हो गई सी एच थ्री सी एच टू एन सी एच टू सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री। यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो गया, तीनों आपके तीन तीन कार्बन की, दो दो कार्बन की चैन हो गई सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू एन सी एच थ्री सी एच थ्री। यहाँ पर देख रहे हैं दो आपकी एक एक कार्बन की चैन है और तीसरी चैन चैन चार कार्बन की, लेकिन क्या हो गया, आइसो हो गया। ठीक, क्या हो गया, आइसो ब्यूटिल हो गया सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री एन सी एच थ्री सी एच थ्री। तो ये देख रहे हैं सभी क्या है, टर्शियरी अमीन है, सभी टर्शियरी अमीन है, मीन सेम होमोलॉगस सीरीज के हैं। लेकिन आपका क्या हो गया, क्या हो गया, केवल आपका एल्किल ग्रुप के चैन में क्या हो रहा है, डिफरेंस है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या कहेंगे, मेटामर्स कहेंगे। ठीक ना, इसी तरीके से कोई भी पॉलीवैलेंट आइटम या ग्रुप है, नेक्स्ट एग्जांपल सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ ओ सी एच थ्री, ये क्या है, एस्टर है। अब एस्टर है तो सभी आपके इसके आइसोमर क्या होने चाहिए, एस्टर होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तीन कार्बन की चैन है, इधर आपकी क्या है, एक कार्बन की चैन है, ये क्या हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी ओ ओ सी एच टू सी एच थ्री। एक दूसरे के क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें आपका कार्बन चैन क्या हो गया, इस जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके नेचर में क्या हो गया, इसके जो अटैच्ड एल्किल ग्रुप है इनके नेचर में डिफरेंट हो गया, या सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच थ्री। ठीक, यहाँ पर क्या हो गए, ये क्या है, सभी मेटामर्स हैं, सभी क्या हैं आपके, मेटामर्स हैं। इसी तरीके से कोई भी पॉलीवैलेंट आइटम या ग्रुप हो, जैसे आपका कीटोन है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ सी एच थ्री। यहाँ पर देख रहे हैं इस कीटोन में क्या है, तीन कार्बन और एक कार्बन की चैन है सी एच थ्री सी एच टू सी ओ सी एच टू सी एच थ्री। ये आपका इसमें दो दो कार्बन की चैन हो गई सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री। और इसमें क्या हो गया, देख रहे हैं तीन और एक की है, लेकिन चैन के नेचर में क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो सभी ये क्या है, एक दूसरे के मेटामर्स हैं। इसी तरीके से अगर आपका एल्कीन है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री। यहाँ पर देख रहे हैं ये एल्कीन है, ये क्या है, पॉलीवैलेंट ग्रुप है, एक तरीके का क्या है, ये पॉलीवैलेंट ग्रुप है। इसके इस एल्कीन के एक तरफ एक कार्बन है और इधर आपका क्या है, तीन कार्बन है। तो क्या हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच थ्री। यहाँ पर देख रहे हैं इस डबल बॉन्ड के ग्रुप के दोनों तरफ क्या हो गए, दो दो कार्बन हो गए। अब भले ही पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन आइसोमर भी होगा, अभी हम लोग देखते हैं सी एच सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस पॉलीवैलेंट मीन्स आपका एल्कीन के रिस्पेक्ट में जो अटैच्ड साइड चेन या एल्किल ग्रुप हैं इनके नेचर में क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो एक दूसरे के क्या होंगे, क्या होंगे, ये मेटामर्स होंगे। तो कोई भी पॉलीवैलेंट एटम हो या ग्रुप हो, उसके उससे जो अटैच्ड आपके एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप हैं उसके नेचर में क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। ठीक,
फॉर एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपका कोई रिंग है, ठीक, ये आपका सिक्स कार्बन की रिंग है, इधर आपका सी एच थ्री लगा है और इधर सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। तो आप देखिए इस रिंग के से जो अटैच्ड एल्किल ग्रुप है, यहाँ एक कार्बन का है, यहाँ क्या है, तीन कार्बन का है, लेकिन आपका सी एच थ्री सी एच टू ए बी सी का क्या है, आइसोमर्स है, सी एच टू सी एच थ्री, ठीक, आइसोमर्स है। और इस आइसोमर्स में देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर आपका एक कार्बन था, यहाँ पर दो कार्बन हो गया, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो ये क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। मीन्स आपका ये रिंग यहाँ पर पॉलीवेलेंट ग्रुप का काम कर रही है, सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री, ये क्या होंगे, एक दूसरे के मेटामर्स होंगे, ठीक। इसी तरीके से बेंजीन रिंग है, अब बेंजीन रिंग है, कोई भी इससे पॉलीवेलेंट आइटम या ग्रुप लगा है, ठीक, जैसे आपका क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक। तो इसके रिस्पेक्ट में अब देखिए, ये क्या होगा, ये भी मेटामर होगा, क्यों, क्योंकि इस पॉलीवेलेंट आइटम में एक मेथिल ग्रुप लगा था, यहां पर बेंजीन रिंग थी, लेकिन यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया और यहां पर देख रहे हैं एक ग्रुप हो गया। अब आपका ये मेटामर्स है, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो ये सब क्या होंगे, क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर होंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो और पोजीशन डिफरेंट हो, तो क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर होंगे, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि आपका, और अभी हम लोगों ने देखा इस केस में, यहाँ पर क्या है, चैन आपका डिफरेंट है, या एल्किन का केस हम लोगों ने देखा, चेन का डिफरेंट है, तो कोई भी दो आइसोमर्स हैं वो मोर देन वन टाइप्स ऑफ आइसोमर्स शो कर सकते हैं। मीन्स आपका ए पेयर ऑफ, नोट करके लिख लीजिए, ए पेयर ऑफ कंपाउंड में शो मोर देन वन टाइप ऑफ आइसोमेरिज, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, आइसोमेरिज टुगेदर, एक साथ जो है कई आइसोमर हो सकते हैं। जैसे इस केस में देखिए, ये क्या है, ये और ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। देखा जाए तो यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप ईथर है और यहाँ पर क्या है, आपका एल्कोहल है, एक दूसरे के क्या है, आपके फंक्शनल आइसोमर्स हैं। सॉरी, ये चीज जो है आपका फंक्शनल हो जाएगा मेटामर्स, क्योंकि मेटामर्स में सेम होमोलॉगस सीरीज में होना चाहिए। अब देखिए ये और आपका सी एच थ्री, ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स होंगे, ठीक, क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। मेटामर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम होमोलॉगस सीरीज होना चाहिए, मीन्स आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका देखिए, ये दो कार्बन की चेन है और बेंजीन रिंग है, यहाँ पर क्या हो गया, ईथर में ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, यहाँ पर एक कार्बन की चेन है, यहाँ पर आपका देख रहे हैं एक बेंजीन रिंग और आपका मेथिल ग्रुप लग गया। अब ये मेथिल ग्रुप क्या हुआ, इसकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, तो आपके क्या होंगे, ये इसके पोजीशन आइसोमर्स होंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके एक दूसरे के मेटामर्स हैं, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं एक पेयर कोई कंपाउंड है, तो उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें CH3 CH2 CH2 O CH3, ये क्या, ये और आपका CH3 CH CH3 O CH3, यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका मेथॉक्सी ग्रुप है और ये भी मेथॉक्सी ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, अब क्योंकि ये पॉलीवेलेंट आइटम के रिस्पेक्ट में एल्किल ग्रुप का नेचर क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पर मेथिल है, यहाँ पे थिल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एन प्रोपिल है, यहाँ पर क्या हो गया, आइसोप्रोपिल हो गया, तो नेचर डिफरेंट हो गया, तो क्या हो गया, ये मेटामर हो गए। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो तीन कार्बन की ये चैन है, ये भी तीन कार्बन की चैन है, केवल क्या हुआ, यहाँ पर आपका मेथॉक्सी ग्रुप 1 2 3 1 पोजीशन पे लगा था, 1 मेथॉक्सी है, यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 2 मेथॉक्सी है, तो
ओके, और पोजीशन का डिफरेंस हो गया, तो इसमें क्या कौन से आइसोमर्स हैं, मींस आपका पोजीशन एंड मेटामर्स, ये दोनों दो तरीके के आइसोमर, पोजीशन एंड मेटामर्स दोनों प्रेजेंट हैं। तो एक पेयर में एक से अधिक टाइप के आइसोमर्स आइसोमेरिज्म प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे एक दूसरे के क्या हैं, मेटामर्स हैं और क्या हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको देखें तो क्या है आपका, देखिए ये आपका यहाँ पर क्लोरीन वन पोजीशन पे था, वन टू थ्री, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर क्या आ गया, दूसरे पोजीशन पे आ गया, लेकिन ये क्या है, प्राइमरी हैलाइड है, ये क्या है, टर्शियरी है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कौन कौन से आइसोमर्स हैं इसमें, फंक्शनल फंक्शनल एंड कौन कौन से हैं, फंक्शनल एंड पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्या है, फंक्शनल एंड पोजीशन आइसोमर्स हैं, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CO CH3 को हम ले लें, तो यहाँ पर आपका क्या है, फंक्शनल की ग्रुप की पोजीशन 1 2 पोजीशन है, लेकिन आपका CH3 CH2 CO CH2 CH3 यहाँ पर 1 2 थर्ड पोजीशन पे हो गया। तो क्या हो गए, एक तो ये मेटामर्स हैं, क्यों, क्योंकि आपका पॉलीवेरेंट ग्रुप कार्बोनिल के से अटैच एल्किल ग्रुप का नेचर डिफरेंट है दोनों में, यहाँ पर एथिल एथिल है, यहाँ पर मेथिल और प्रोपिल है, तो क्या हुआ इसके नेचर में डिफरेंट है, और दूसरे क्या हुआ, पोजीशन यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप की वन है, यहाँ पर क्या है, थ्री है, तो क्या होंगे ये पोजीशन एंड क्या होंगे, पोजीशन एंड मेटामर्स होंगे, क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। और आपका CH3 CH2 CH2 CO CH3 ये है, और CH3 CH CH3 CO CH3 यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो गया, आपका यहाँ पर चेन डिफरेंट हो गई, ठीक, क्या हो गया, चेन डिफरेंट हो गई, लेकिन अब आपका यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड आपका मेथिल और आइसोप्रोपिल इनके नेचर में डिफरेंट हो गया, तो मेटामर्स हो गए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, चेन डिफरेंट हो गई, यहाँ चार कार्बन की चेन हो गई और यहाँ पर क्या है, पांच कार्बन की हो गई, तो क्या होंगे ये, चेन एंड मेटामर्स, क्या होंगे, चेन आइसोमर्स भी होंगे और क्या होंगे, मेटामर्स भी होंगे, ठीक, क्या होंगे, चेन और मेटामर्स होंगे। ठीक, तो किसी भी आइसोमर दिए गए हैं तो उसमें से कौन कौन से आइसोमर्स हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें मेटामर्स है कि पोजीशन आइसोमर्स है कि चेन आइसोमर्स है, ठीक ना, इसको या फंक्शनल आइसोमर्स है, तो इसको आप क्या करेंगे देख लेंगे कि किसमें आपका कौन कौन से आइसोमर्स हो सकते हैं, क्योंकि एक पेयर में कई तरीके के आइसोमर्स हो सकते हैं। CH2 CH3, ठीक, ये आपका क्या है, यहाँ पर देखिए दो कार्बन की आइसोमर्स है, यहाँ पर क्या हो गया, तीन, दो कार्बन ही हो गए, अब ये आपके क्या हैं, एक दूसरे के क्या हो गए, चैन आइसोमर्स हो गए, ठीक, क्या हो गए, ये चैन आइसोमर्स हो गए, ठीक ना, और क्या है, अब देखिए ये बेंजीन रिंग क्या है, पॉलीवेरेंट है, अब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है और एक एथिल ग्रुप है, यहाँ पर क्या हो गया, एक मेथिल और एक मेथिल हो गया, ठीक, तो क्या हो गया ये, एंड मेटामर्स है, क्या है, मेटामर्स है। अब आपका इसके कई सारे पोजीशन आइसोमर्स भी हो सकते हैं, ये सभी क्या है, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है, ठीक ना, तो आपका एक पेयर आइसोमर्स में कई टाइप्स की आइसोमेरिज्म हो सकती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, ठीक ना। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट द आर्म पॉसिबल मेटामर्स, राइट द आर्म पॉसिबल मेटामर्स
इसके सभी आप पासिबल मेटामर्स लिखेंगे, ठीक ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, राइट आल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, राइट आल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स फॉर, पहला सी थ्री सॉरी एच सिक्स सी एल टू, सी थ्री एच सिक्स सी एल टू, दूसरा सी थ्री एच फोर सी एल टू, तीसरा सी थ्री एच टू सी एल टू, ठीक। इसके आपको सभी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स फंक्शनल आइसोमेरिज्म लिखने हैं। अब देखिए, चैन आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी कंपाउंड में कार्बन की संख्या तीन से अधिक, चार चार या चार से अधिक होनी चाहिए, तो चैन तो नहीं शो करेगा, ठीक। चैन नहीं शो करेगा तो इसमें आपका तीन कार्बन की चैन हो सकती है, पहली चीज। अब देखिए, सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एल सी एल, ठीक, सेचुरेटेड है, क्यों कि तीन दूने छः प्लस टू, दो आपके क्लोरीन लग गए तो हाइड्रोजन की जगह, तो क्या हुआ है, सेचुरेटेड है। अब सेचुरेटेड के लिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। अब आपका सी एल टू दोनों एक कार्बन पे हो सकता है या आपके क्या हो सकते हैं, डिफरेंट कार्बन पे हो सकते हैं। अब एक कार्बन पे होगा तो इस तरीके के दो आइसोमर्स हो सकते हैं, क्या होगा, ये दो आइसोमर्स हो सकते हैं जब क्लोरीन ग्रुप दोनों एक कार्बन पे हैं। और आपका क्या होगा, सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एल सी एल, ये आपके दो अलग अलग कार्बन पे हैं तब हो सकते हैं। और दो अलग अलग और कौन सी पोजीशन हो सकती हैं, सी एच टू सी एल सी एच टू सी एच टू सी एल, क्या हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो इसके कितने आइसोमर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल, अब देखो केवल आपका पोजीशन ही चेंज होगा, और पोजीशन चेंज होगा, ठीक ना। और क्या हो रहा है कि कार्बन आपका एक हेलोजन दोनों एक पे हो सकता है या दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कितने आइसोमर्स होंगे, चार आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। सैचुरेटेड के लिए हम लोगों ने बताया था कि सैचुरेटेड में ये हो सकता है आपका, कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक ना। तो चैन हो सकता है, चैन इसमें पॉसिबल नहीं है, और पोजिशन हो सकता है। अब इस केस में क्या है, देखिए तीन दूना छः और दो क्लोरीन, मतलब आपका दो हाइड्रोजन कम है, और जब दो हाइड्रोजन कम होंगे तो क्या होगा, एक या तो डबल बाउंड हो सकती है या साइकिल हो सकती है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आपका क्लोरीन कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बाउंड बना लीजिए आप, क्या हो गया, इस पे मान लो सी एच थ्री है, ठीक। अब आपका इस पे सी एल सी एल दोनों एक पे लग सकता है, इस पे एच हो गया, ठीक, सी थ्री एच फोर सी एल, या दोनों क्लोरीन की पोजीशन हमने बताया कि क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, सी एच थ्री सी सी एल डबल बाउंड सी एच सी एल, ये हो सकता है, या दोनों क्लोरीन आपके एक क्लोरीन पोजीशन आपका यहाँ क्लोरीन का इधर भी हो सकता है, ये सी एच थ्री सी एच टू सी एल सी डबल बॉन्ड सी एच सी एल, एक ये हो सकता है, ठीक। और क्या हो सकता है, देखिए इस क्लोरीन को हमने पोजीशन या तो यहाँ पे लगा दिया एक आपका, या यहाँ पे लगा दिया, तो पोजीशन ये हो सकता है, या आपका दोनों क्लोरीन इस पे आ सकते हैं, इस पे दो क्लोरीन नहीं आ सकते, ठीक ना, क्या हो सकते हैं, सी एच टू सी एल सी एच सी सी एल डबल बॉन्ड सी एच टू, एक ही हो सकता है, या आपका सी सी एल सी एल सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। तो कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं, एक तो ये हो गए एल्कीन के कारण, जब डबल बॉन्ड है तो एक दो तीन चार पाँच, पांच तक जितने तरीके के आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, सारे तरीके के अरेंजमेंट आप कर दीजिए तो उसके आइसोमर्स मिल जाएंगे। अब साइकिल बनेगा, साइकिल तीन कार्बन है तो तीन कार्बन की एक साइकिल बनेगी, सैचुरेटेड साइकिल होगी, दो हाइड्रोजन कम है, तो इसमें आपका क्या हो सकता है, दोनों क्लोरीन एक ही पोजिशन पे हो सकते हैं, या आपके दोनों क्लोरीन क्या हो सकते हैं, डिफरेंट पोजिशन पे हो सकते हैं। आप कहीं भी लगाओगे, पोजिशन चेंज करोगे तो केवल आपके साइकिल में दो आइसोमर्स बनेंगे। तो कितने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बन गए, अब देखिए ये और ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो गए, फंक्शनल ग्रुप एल्कीन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर क्या हुआ, एल्कीन ग्रुप नहीं है, साइक्लो है, तो क्या हो गया, ये फंक्शनल आइसोमर हो गए, और ये आपके क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स हो गए, ठीक। ये जो है आपके
इसके इसी तरीके से इसके कितने बनेंगे? अब यहां पर क्या देखिए, 3 × 6 = 2, क्या होना चाहिए 8 हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, केवल आपका क्लोरीन को मिला दें तो कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो 4 हो रहे हैं तो कितने हाइड्रोजन कम है, कितने कम हो गए, 4 कम हो गए। 4 कम मतलब क्या हो गया कि या तो 2 पाई बांड होंगी, ठीक, या 1 ट्रिपल बांड होगा, या 1 साइकिल और 1 पाई बांड होगा। पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये होगी। तो आइए देखते हैं हम लोग, अगर आपका 2 हम पाई बांड बना दे रहे हैं, 2 पाई बांड बना दे रहे हैं, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये बनेगा। अब 2 क्लोरीन है तो 1 यहाँ पर क्लोरीन, हमने दोनों क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक। एक तो आपका ये बनेगा, एक क्या बन सकता है, अब देखिए यहाँ पर इस पे कुछ नहीं चेंजेज हो सकता, केवल आप हाइड्रोजन को चेंज कर सकते हैं, CH Cl डबल बांड CH Cl। तो आपका 2 डबल बांड है तो ये आइसोमर बनेंगे। अगर ट्रिपल बांड हमने बना दिया, ट्रिपल बांड सी, ठीक। अब आपका देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका CH Cl Cl, एक तो ये हो सकता है, या हाइड्रोजन में इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, Cl Cl ट्रिपल बांड CH सॉरी C सिंगल बांड CH2 Cl, एक आपका ये हो सकता है। जब अगर ट्रिपल बांड होगा तो केवल 2 पॉसिबिलिटीज है, क्यों, क्योंकि इस पे एक ही ग्रुप चेंज हो सकता है, बाकी एक हाइड्रोजन तो आपको यहाँ लगाना ही पड़ेगा, ठीक ना। हाइड्रोजन की पोजीशन क्लोरीन से आप चेंज कर सकते हैं। अब आपका साइकिल बनेगा, तो साइकिल बनेगा तो 3 कार्बन की साइकिल बनेगी। अब आप दोनों क्लोरीन एक पे लगा सकते हैं, या आपका दोनों क्लोरीन डिफरेंट पोजीशन पे लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें आपका 1 डबल बांड, इसमें यहाँ भी हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी आप डबल बांड को Cl को लगा सकते हैं। तो आपका इसमें साइकिल में कितने आइसोमर्स होंगे, 3 आइसोमर्स साइकिल के हो गए, 2 आइसोमर्स आपके एल्कीन के हो गए, 2 आइसोमर्स आपके एल्काइन के हो गए। तो कितने टोटल आइसोमर्स हो गए, इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम दिया रहेगा तब, ठीक ना। ठीक, तो एक प्रॉब्लम नोट कर लीजिए, आप लोग सॉल्व करिएगा। फॉर C4H8, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ, पहला आल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं उनको आपको लिखना है। आल एल्कीन आइसोमर्स और आल आइसोमर्स कहे तो उसमें आपका स्टीरियो आइसोमर्स भी आ जाएगा, ठीक ना। क्या आल पॉसिबल आइसोमर्स हमने कहा तो उसमें स्टीरियो भी आ जाएगा। अभी फिलहाल आप क्या लिखेंगे, जो स्ट्रक्चरल आपने पढ़ लिया है कितने पॉसिबल है वो लिखेंगे, जब स्टीरियो पढ़ा देंगे तो उसके अनुसार इसको भी पूरा लिख लीजिएगा।
नेक्स्ट इज टाटो मेरिजम, नेक्स्ट आइसोमर एंड लास्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टाटो मेरिजम, टाटो मेरिजम। देखिए टाटो मेरिजम क्या होता है, टाटो का मतलब या हिंदी में इसको चला अवयवता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चला अवयवता बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो टाटो मेरिजम क्या है, ठीक, तो टाटो मेरिजम क्या है, जिसमें कोई भी आइटम या ग्रुप चलता हो, अब चल रहा हो तो चलेगा तो क्या होगा, इसका मतलब कि दोनों आइसोमर्स जो है क्या होंगे, डायनेमिक होंगे। चलने का मतलब क्या हो गया, डायनेमिक होगा, और डायनेमिक होगा तो इसलिए इस आइसोमेरिज्म को हम लोग डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक। जैसे अगर आपका देखें CH2CO CH3, ठीक, ये है आपका कंपाउंड, क्या है ये, कीटोन है, क्या है, एसीटोन या कीटेन है। अब ये आपका देखिए ये कीटोन है, तो आपका अब ये आपका हाइड्रोजन यहाँ से मूव करता है, इस पर चला जाता है, तो आपका CH2 डबल बॉन्ड CO CH3, ये भी इसका क्या है, आइसोमर है, ठीक, क्या है, आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और स्ट्रक्चरल आइसोमर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का लिंकेज कार्बन से है, यहाँ पे हाइड्रोजन का लिंकेज क्या हो गया, ऑक्सीजन से हो गया। तो हमने बताया था कि जब आपका केवल ऐसे आइसोमर जिनमें लिंकेज का क्या हो, डिफरेंट हो, और लिंकेज का केवल डिफरेंस होता है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डायनेमिक है, और डायनेमिक है एक दूसरे में कन्वर्ट, ये आपका यहाँ से ये हाइड्रोजन मूव करके इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ठीक। तो अगर आपके ऐसे हों जो आपके क्या हों, एक दूसरे में कन्वर्ट, इंटर कन्वर्टेबल हों और डायनेमिक हों, तो इसे हम क्या कहते हैं, टाटो मेरिजम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, और एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पर आपका 1 2 3 ये आपका आइटम माइग्रेट करके कहाँ पर जा रहा है, ऑक्सीजन पे जा रहा है, मीन्स आपका 1 से किस पे गया, थर्ड पे गया। तो इस तरीके को सिस्टम को जिसमें आपका आइटम का माइग्रेशन 1 2 3 होता है उसको हम ट्रायड सिस्टम बोलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं HC CCN। अब आपका इसमें ये हाइड्रोजन आइटम माइग्रेट करके नाइट्रोजन पे चला जाए CN H, ठीक। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या होगा, ये साइनाइड है और ये क्या है, आइसो साइनाइड। ये कीटोन है, अब देखो ये इन और आल क्या है, इनाल है, ठीक। तो कीटोन का इनाल में कन्वर्ट हो रहा है, साइनाइड का आइसोसाइनाइड में, ठीक। एक दूसरे के आइसोमर है लेकिन क्या है, देख रहे हैं आइटम का माइग्रेशन हो रहा है, आइटम चल रहा है, ठीक। तो इसलिए इसको चला हुआ जाता है या टाटो मेरिजम बोलते हैं। थर्ड CH3 CN OH, ये क्या है, नाइट्रो है, क्या है, नाइट्रो है, ठीक। अब आपका इसमें होता क्या है, ये हाइड्रोजन आपका चल करके CH3 CH OH, ये एसी नाइट्रो में कन्वर्ट हो गया। ये हाइड्रोजन आपका बहुत एसिडिक होता है, क्या होता है, एसिडिक होता है, तो इसलिए इसको हम लोग एसी नाइट्रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसी नाइट्रो। तो देख रहे हैं नाइट्रो का बाय द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर देखिए 1 से 2 पे गया, यहाँ पर 1 2 माइग्रेशन है लेकिन यहाँ पर 1 2 3 आइटम पे जा रहा है, मीन्स इस कार्बन से तीसरा आइटम जो ऑक्सीजन है उस पे जा रहा है, ठीक ना। तो ऐसे आइटम, ऐसे टाटोमर्स को जिसमें 1 2 माइग्रेशन होता है उसको हम डायड सिस्टम बोलते हैं, और जिसमें 1 3 माइग्रेशन होता है उसको हम लोग ट्रायड सिस्टम बोलते हैं, ठीक। इसी तरीके से फोर्थ CH3 CH CH3 CH double bond NH2, ये क्या है, इमाइन है, क्या है, इमाइन। जब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमाइन बोलते हैं। इसमें आपका यहाँ से हाइड्रोजन
CH2, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ से माइग्रेट करके कहाँ चला जाता है, इस पे चला जाता है, मीन्स आपका 1, 2, 3 पे। तो CH2 डबल बॉन्ड CHNH2, ये इन हो गया और अमीन हो गया, तो इसको बोलते हैं इनामाइन। क्या बोलते हैं? इनामाइन। ठीक, तो किसमें? इनामाइन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से आपका अमाइड है, CH3CONH2, ठीक, ये अमाइड है। इसमें आपका एसिडिक हाइड्रोजन कौन है? हाइड्रोजन अभी देखेंगे हम लोग कि कौन सा हाइड्रोजन मूव करेगा जो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो CH3COHNH, ये इमाइन बन गया और आल, इसको ये आपका क्या है? अमाइड है। अमाइड आपका हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट करके 1, 2, 3 पे जाता है, क्या बन जाता है? इमिडाल, इमाइडाल, इमाइड और आल क्या बन जाता है? इमाइडाल बन जाता है। ठीक ना, तो इस तरीके से देख रहे हैं क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, और माइग्रेशन हो रहा है तो इस तरीके के आइसोमर्स को हम लोग क्या कहेंगे? टाटोमर्स कहेंगे। इसी तरीके से कोई जरूरी नहीं कि आपका आइटम भी माइग्रेट करे, ग्रुप भी माइग्रेट कर सकता है। CH2CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा क्लास ले रहे हैं, बताओ, अभी थोड़ी देर में हम आते हैं। तो ये आपका देखिए, ये ऐसा है, अब ये आपका शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर CH3CHOH CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर देख रहे हैं क्या है? ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, 1, 2, 3 पोजीशन पे क्या जा रहा है? ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है। सारी ये चीज आपका CH और यहाँ पर CH2 जब लिखा है, हाँ ठीक, ये होगा। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है? एक ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है। ठीक, तो कोई एटम भी माइग्रेट कर सकता है और ग्रुप भी माइग्रेट हो सकता है। अब यहाँ पर इस पोजीशन को हम लोग एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? एलाइलिक। जब कोई डबल बॉन्ड से जो कार्बन होता है, इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से एलाइलिक शिफ्टिंग हो रही है, माइग्रेशन हो रहा है, ये भी आपके क्या है? एक तरीके के टाटोमर्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, HOC डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ। ठीक, क्या है ये? साइनिक एसिड है, साइनिक एसिड है। अब ये आपका यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट करता है कहाँ पर? नाइट्रोजन पे, और O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, यहाँ से आपका 1 से 2 3 पे माइग्रेट करता है, तो क्या बन गया ये? आइसो साइनिक एसिड, आइसो साइनिक बन गया। ठीक, तो इस तरीके के आइसोमरिज्म को, जिसमें क्या होता है, किसी भी दो या दो से अधिक ऐसे आइसोमर्स हैं, एक तो पहली चीज़ कि एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। ये आपका इधर कन्वर्ट हुआ है, देखिए जैसे हमने यहाँ पर दिखाया भी कि हाइड्रोजन आपका माइग्रेट करके कहाँ गया? थर्ड पोजीशन पे, कार्बन से ऑक्सीजन पे माइग्रेट कर गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन से जब कार्बन पे माइग्रेट करेगा तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो मीन्स आपके क्या होते हैं? ये इंटर कन्वर्टेबल हैं और क्या हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट हो रहे हैं। सभी देख रहे हैं आप, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो ऐसे किसके जरिए? बाय द माइग्रेशन ऑफ एटम आर ग्रुप। यहाँ पर देखिए एटम का माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है। इस तरीके के आइसोमर्स को हम लोग टाटोमेरिज्म बोलते हैं। तो लिख लीजिए, द फेनामेनन इन विच, द फेनामेनन इन विच, द फेनामेनन इन विच ए कंपाउंड एग्जिस्ट इन आ कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट, लिख लीजिए आप लोग, द फेनामेनन इन विच कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स विच आर इन डायनेमिक। दो फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है, दोनों क्या हैं? विच आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। द फेनामेनन इन विच अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स विच आर इन
डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड ये एक दूसरे से बहुत इजीली एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल हैं एंड आर रेडिली कन्वर्टिबल इनटू वन अनदर बाय ऑसिलेशन या माइग्रेशन कह सकते हैं बाय ऑसिलेशन ऑफ एटम आर ग्रुप बाय ऑसिलेशन ऑफ एन एटम आर ग्रुप बिटवीन टू पॉलीवैलेंट एटम्स इज कॉल्ड टाटोमेरिज्म एंड बोथ आइसोमर्स आर कॉल्ड टाटोमर्स। यहाँ पर देख रहे हैं जिस भी एटम का माइग्रेशन हो रहा है वो आपका क्या किसी न किसी पॉलीवैलेंट एटम से ही माइग्रेशन हो रहा है और जहाँ पर जा रहा है वो भी पॉलीवैलेंट है तभी आपका ये पॉसिबिलिटी है। कहने का मतलब जो माइग्रेशन होता है वो आपका पॉलीवैलेंट एटम से पॉलीवैलेंट एटम पर होता है। ठीक, इसमें अभी कंडीशन क्या होगी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो आइसोमर्स शो कर सकते हैं। तो अब आपके जब क्या हो केटायन का अगर आपका यहाँ जो माइग्रेशन हो रहा है ठीक जैसे ये माइग्रेशन हो रहा है केटायन के रूप में हो रहा है मीन्स पॉजिटिव चार्ज के रूप में हो रहा है तो इस टाटोमेरिज्म को हम केटायनोट्रॉपिज्म बोलते हैं। क्या केटायनोट्रॉपिज्म व्हेन एटम आर ग्रुप ऑसिलेट्स एज केटायन व्हेन एटम्स एटम आर ग्रुप ऑसिलेट एज केटायन तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं केटायनोट्रॉपिक। ठीक क्या बोलते हैं केटायनोट्रॉपी लिखिए ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा। आर अगर प्रोटॉन मूव कर रहा है एच प्लस मूव कर रहा है जिसे हम क्या कहते हैं प्रोटोट्रॉपी बोलते हैं। और अगर एनायन मूव करता है क्या व्हेन एटम ग्रुप ऑसिलेट्स एज एनायन अगर एनायन के रूप में माइग्रेट करता है तो इसे हम लोग एनायनोट्रॉपी बोलते हैं। क्या एनायनोट्रॉपी। ठीक और अगर आपका OH- माइनस माइग्रेट कर रहा है ठीक तो इसे हम लोग ऑक्सोट्रॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑक्सोट्रॉपी भी बोलते हैं। ठीक तो आपको इसको अलग अलग नेम से भी हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर देखिए एसीटोन के केस में यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जो माइग्रेट कर रहा है जो ऑसिलेट कर रहा है किसके किसके बीच इस कार्बन से ऑक्सीजन के बीच ऑसिलेट कर रहा है या यहाँ से आपका मूव करके यहाँ पर माइग्रेट करके आ रहा है तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या 1-3 माइग्रेशन हो रहा है। और यहाँ पर साइनाइड में देखिए या 1-2 पे हाइड्रोजन आपका कार्बन से केवल नाइट्रोजन पे जा रहा है 2 एटम के बीच माइग्रेट हो रहा है तो आपका जब ऑसिलेशन क्या हो एडजेसेंट एटम पर ही हो तो इसे हम वन डायड सिस्टम बोलते हैं। क्या when oscillation occurs between adjacent atom तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं या कहते हैं 1-2 पे माइग्रेट कर रहा है इसे हम 1-2 या डायड सिस्टम बोलते हैं। क्या डायड सिस्टम। और जब आपका when oscillation occurs between three atom तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं मीन्स आपका पोजीशन वन एंड थ्री पर इसे हम लोग ट्रायड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं ट्रायड सिस्टम बोलते हैं। ठीक जनरली जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे ये डायड सिस्टम इनऑर्गेनिक में होता है जैसे HCN क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन जनरली जितने भी आपने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब में क्या हो रहा है 1/3 पे हो रहा है। ठीक क्या ट्रायड सिस्टम में है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली सोज 1-3 या ट्रायड सिस्टम
ट्रायड सिस्टम होते हैं, ठीक। तो क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली थे हो, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली सो 1-3-1-3 टाटोमेरिक, ठीक ना, या ट्रायड सिस्टम 1-3 टाटो मेरी जी मीन्स इसमें जो माइग्रेशन होता है या ऑसिलेशन होता है 1-3 टाटो मेरिज में, या कहिए ट्रायड सिस्टम तो करता है, ठीक, ट्रायड सिस्टम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। देखिए जनरली इसमें जो माइग्रेट करता है, जनरली हाइड्रोजन प्लस माइग्रेट्स, क्या करता है, जनरली एच प्लस माइग्रेट करता है, लेकिन आपका ए जी ओ एन ओ, ठीक, ए जी ओ एन ओ में क्या करता है, इन ए जी एन ओ सिल्वर माइग्रेट, ए जी प्लस आयन माइग्रेट्स, केवल आपका यही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोई मेटल आपका माइग्रेट करता है, ठीक, ओनली कंपाउंड इन विच मेटल केटायन माइग्रेट्स, ठीक, आपका ए जी ओ एन ओ, इसमें आपका ए जी माइग्रेट करता है किस पे, नाइट्रोजन पे 1-2 में, तो ये बन जाता है आपका ए जी एन डबल बॉन्ड ओ, ठीक, क्या होता है ये 1-2 पर माइग्रेशन होता है, इससे आपका 1-2 माइग्रेशन होता है, ये इनऑर्गेनिक में होता है, लेकिन जनरली ऑर्गेनिक में क्या होता है 1-3 टाटोमेरिज में होता है, मीन्स 1 ट्रायड सिस्टम शो करते हैं। अब आपका एक चीज और, अभी आपने देखा कि जितने भी हमने टाटोमर्स बनाया इसमें आपका देखना है पाई बांड 1 है तो यहाँ पर भी पाई बांड 1 है, सिग्मा बांड आपकी 2 है 3 है तो यहाँ पर भी सिग्मा बांड क्या है 3 है, कोऑर्डिनेट बांड इज आल्सो ए सिग्मा बांड, तो जितने भी पाई बांड होंगे या निगेटिव चार्ज होंगे या लोन पेयर होंगे वो क्या होंगे, कंजर्व्ड होंगे, मीन्स आपका हम लोग कह सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए कि नंबर ऑफ सिग्मा पाई, नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर आर सेम इन बोथ आइसोमर्स, आर लोन पेयर आर रिमेन कांस्टेंट इन बोथ आइसोमर, दोनों आइसोमर में क्या होंगे ये मतलब चेंज नहीं होंगे, ठीक, इनको आप अगर चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो टाटोमर्स नहीं है, ठीक, टाटोमर्स नहीं है, और ये एक तरीके का क्या है, देख रहे हैं केमिकल, इनका केमिकली चेंज हो रहा है, तो टाटोमेरिज्म इज ए केमिकल फेनोमेना, क्या है, टाटोमेरिज्म इज ए केमिकल फेनोमेना, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है एक तरीके से, टाटोमेरिज्म इज ए केमिकल फेनोमेना, ये एसिड के प्रेजेंस में होता है और या बेस के प्रेजेंस में, मीन्स आपका कैटलाइज बाई फेनोमेनन होता है, एंड कैटलाइज बाई एसिड आर बेस, एंड कैटलाइज बाई एसिड आर बेस, ये एसिड और बेस के जरिए क्या होता है, कैटलाइज होता है, ठीक ना, एक तरीके का केमिकल फेनोमेनन है,
और क्या है देख रहे हैं, केवल क्या है अभी हम लोगों ने देखा, जैसे हम लोग ले लें CH2 CH3 CO CH3 को ले लें, तो इस केस में देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O H CH3, तो क्या हो रहा है कि आपका कनेक्टिविटी एटम की यहाँ हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्ट था, यहाँ ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया, तो क्या एक तरीके का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, लेकिन आपका क्या है स्ट्रक्चरल में एक दूसरे के डायनेमिक है और कोई भी स्ट्रक्चरल डायनेमिक नहीं था, तो एक तरीके का स्पेशल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो टॉटोमेरिज्म इज ए स्पेशल फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप यहाँ कीटो है, यहाँ क्या हो गया आल और इन हो गया, क्या हो गया आल और इन हो गया, तो लोग कह सकते हैं टॉटोमेरिज्म इज ए स्पेशल फंक्शनल आइसोमेरिज्म, स्पेशल फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखिए अब आपका कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक, पहली चीज यहां पर जितने भी हमने आपको एग्जाम्पल दिखाए जहां पर टॉटोमेरिज्म हमने शो किया, तो एक देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, क्या था सब में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या था पाई बॉन्डेड था, क्या होना चाहिए कि मीन्स आपका कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होना चाहिए और पाई बॉन्ड होना चाहिए, और उसके अल्फा पोजीशन पे देखिए आपका यहाँ पर ये जिस किसी ग्रुप के जो अटैच्ड आइटम होते हैं उसको हम लोग अल्फा पोजीशन बोलते हैं, ये अल्फा हो गया इससे अटैच होगा तो ये बीटा होगा इससे आपका गामा एंड सो ऑन, तो इस तरीके से जो आइटम आपका यहाँ पर अटैच होता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप से, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका क्या होना चाहिए अल्फा पोजीशन पे एक आपका एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, ये हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए एसिडिक होना चाहिए, ठीक, तो कंडीशन अगर देखें तो क्या होनी चाहिए, तो आपका कंडीशन फॉर कंडीशन टू शो टाटोमे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन से टाटोमेरिज्म शो करेंगे कौन से नहीं शो करेंगे, तो कंडीशन जब आप जानते रहेंगे तो क्या होगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहली कंडीशन कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रो निगेटिव आइटम, इलेक्ट्रो निगेटिव आइटम आपने देखा लाइक चाहे नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन ईटीसी, कोई आपका पॉलीवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आपका होना चाहिए, मस्ट बी मल्टीपुल बॉन्ड, मस्ट बी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए मस्ट बी मल्टीपुल बॉन्ड, सब में आपने देखा कि जितने भी हमने सिस्टम दिखाया सब में टाटोमेरिज्म में देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के बीच क्या था मल्टीपुल बॉन्ड प्रेजेंट था, चाहे एमाइड हो चाहे इमाइन हो चाहे आपका साइनाइड हो या कीटोन हो, सब में हमने देखा कि क्या है हेट्रो आइटम के बीच मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के बीच मल्टीपुल बॉन्ड प्रेजेंट है, और क्या होना चाहिए जब तक ये हाइड्रोजन नहीं होगा तब तक कौन माइग्रेट करेगा, अल्फा पोजीशन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए देयर मस्ट बी वन एसिडिक हाइड्रोजन, वन एसिडिक हाइड्रोजन एट अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए तभी वो टाटोमेरिज्म शो करेगा नहीं तो नहीं शो करेगा। तो एक क्वेश्चन ले लीजिए लिख लीजिए आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक ना, क्वेश्चन लिखिए एमंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टाटोमेरिज्म, एमंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो टाटोमेरिज, टाटो मेरिज इसमें से कौन कंपाउंड्स ऐसे हैं जो टाटोमेरिज में शो करेंगे, पहला CH3 CH2 NO2, दूसरा CH3
CH3 CN। तीसरा CH3 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 CH2। चौथा C6H5 C6H5 CH2। ठीक, फिफ्थ CH2 CN2। सिक्स सेवन, ठीक, कौन से शो करेंगे कौन से नहीं शो करेंगे आपको आइडेंटिफाई करना है। एट नाइन, सॉरी सेवेंथ एट्थ, ठीक सेवेंथ एट्थ, ये नाइन्थ होगा। तो इसमें से कौन से कंपाउंड आपके टाटोमेरिज्म शो करेंगे कौन से नहीं शो करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है क्या होना चाहिए कि एक आपका हेट्रो एटम के बीच मल्टीपल बांड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका नाइट्रो ग्रुप में हेट्रो एटम के बीच क्या है, मल्टीपल बांड है, यन डबल बांड ओ और आपका ओ है, और इस ग्रुप के एल्फा पोजिशन पे एल्फा कौन है, ये है, इस ग्रुप से अटैच कार्बन क्या है, एल्फा है, तो एल्फा पे कम से कम एक आपका एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक ना। अब एसिडिक हाइड्रोजन क्या है मैं बताता हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन है वो एसिडिक होगा। इसी तरीके से इस केस में आप देखेंगे यहाँ पर देखिए CHO है, कार्बन और ऑक्सीजन मल्टीपल बांड है, लेकिन इसका जो अल्फा कार्बन क्या होगा, ये होगा। अब इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, और कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये टाटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। बेंजीन रिंग है, इसमें भी आपका अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, जब आप बनाएंगे देखेंगे कि आपका ये बेंजीन है COH, ये क्या है आपका एल्डिहाइड है। अब इसका ये तो आपका मल्टीपल बॉन्डेड है, लेकिन यहाँ पर अल्फा कार्बन क्या है, ये इस कार्बन पे देख रहे हैं कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो आपका क्या होगा, नहीं शो करेगा। अब अगर रिंग है तो यहाँ पर देखिए अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये शो करेगा। लेकिन इस केस में आइए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है और ये मल्टीपल बॉन्ड भी है, लेकिन जब यहाँ से हाइड्रोजन ये माइग्रेट करेगा तो आपका क्या बनेगा, जब हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा तो आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक। अब देखिए क्या एक कार्बन पे रिंग में डबल बॉन्ड हो सकता है, अभी आपका दो एक कार्बन पे दो डबल बॉन्ड होंगी तो हमेशा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है और लीनियर होता है, तो आपका रिंग में लीनियर नहीं होता न, कभी नहीं हो सकता। तो अगर रिंग में कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है लेकिन एक कार्बन अगर आपका sp में कन्वर्ट हो रहा है, लीनियर कन्वर्ट हो रहा है, तो वो भी आपका कभी भी टाटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो इसमें से कौन कौन शो करेगा इसको आप लोग लगाइएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।